सामने भाई साहब कोहरा बढ़ते ही जा रहा है। फिलहाल भाई साहब अभी थोड़ा धूप का दर्शन हुआ है हम लोगों को, पीछे सूर्य देवता थोड़ा मुंह दिखाया है हम लोगों को अभी। और इधर पे गाइस देख सकते हो बैलगाड़ी में शायद से कोई बैल मर चुका है। सामने कितना क्यूट क्यूट सा बच्चा सब कोई मैदान पे खेल रहा था। हेलो तो हेई व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल इट ब्लॉगर में पुष्कर। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छों को स्वस्थ मस्त होंगे एंड ढेर सारा मौज कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज है 25th ऑफ दिसंबर एंड आज है क्रिसमस, तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को मेरी क्रिसमस। एंड अभी टाइम हो रहा है रात का 11:24, जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग। और भाई सब कल यानी 26th ऑफ दिसंबर तुम्हारा भाई जाने वाला है एक राइड पे, एंड ये राइड हम लोग होने वाले करीबन 4 दिन का। और थमले और टाइटे देखे तो आप लोगों को पता चल ही गया कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो भाई साहब हाँ, हम लोग जाने वाले हैं पुरुलिया पे। मतलब समझ सकते हो यार कितना बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आएगा। एंड तुम्हारा भाई का लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है कि बाइक लेके इतना दूर पे ट्रैवल करना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इस बार एक ब्लॉग या पूरा ट्रैवल सीरीज लाएगा तुम्हारा भाई, तो उसके लिए जुड़े रहो। एंड अभी जल्दी से बैग पैक करते एंड मिलते हैं आप लोगों से सुबह। सो गुड मॉर्निंग भाई साहब, एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:29, जैसे कि देख पा रहे हो। एंड विजयदय भी मेरा घर का बाहर आ चुका है एंड तुम्हारा भाई भी एकदम रेडी हो चुका है। एंड आंखों में थोड़ा नींद देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा भाई का मतलब रात में नींद नहीं आया सही से। तो अभी जल्दी से बैग लेंगे, शूज डालेंगे पैर में, उसके बाद चलो बाहर जाके मिलते हैं आप लोगों से। भाई साहब बाहर आ चुका है, जैसे कि देख सकते हो विजयदय भी आ चुका है एकदम लगेज वगैरह पैक करके। और चारों ओर देख सकते हो आज कुछ ज़्यादा ही कोहरा है। एंड अभी मम्मी को टाटा बाय बाय बोल के अभी निकल जाते हैं सही से। चलो टाटा बाय बाय। तो अभी जाते हैं बैंडल चर्च तरफ एंड उधर जाकर आप लोगों से बात करते हैं। तो भाई साहब फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं बैंडल चर्च के सामने। एंड जैसे कि देख पा रहे हो चारों ओर कितना कोहरा है, जैसे कि हम लोग घर से निकलने वक्त आप लोगों को बोले थे। एंड बैंडल चर्च यार बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया था। अभी तो लाइट ऑफ कर दिया है इसलिए दिखा नहीं पा रहे, और देख सकते हो कितना कोहरा है। एंड अभी भिजा था हम लोग को बोलेगा डिटेल में, मतलब हम लोग कौन सा रोड से जाने वाले हैं एंड सब कुछ। तो भैया था हम लोग यहाँ से निकलेंगे बैंडल से, अभी तक अभी बैंडल से निकल के हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल फिलिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कामरकुंड रोड, कामरकुंड से जाएंगे तारकेश्वर, वहाँ से जाएंगे आरामबाग, आरामबाग से पूरा बांकुड़ा। तो मौज होगा मौज, आप लोग जुड़े रहिए भाई साहब। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:10 एंड अभी देख सकते हो रोड में कितना आदमी एकदम भर्ती पड़ा हुआ है। ये सब आया है, वो सब बाजार वजार लगाता है ना वो सब। और चाचा अभी कुछ करतब दिखाने का ट्राई कर रहा था सामने हम लोग को समझ में नहीं आया सही से। तो अभी भाई साहब हम लोग आ चुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, और ये दिल्ली रोड के ऊपर, इधर से हम लोग फ्यूल अप कराएंगे उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे। हम लोग आके पहुंच चुके तारकेश्वर में, और जैसे कि देख पा रहे हो तारकेश्वर मंदिर का ये रहा गेट, और इधर से अभी हम लोग जाएंगे एकदम सीधा। और भाई साहब अभी आगे तारकेश्वर टेंपल को छोड़ के अभी हम लोग को सामने मिल चुका और एक रेलवे गेट, और इधर पे गेट पड़ा हुआ है इसलिए हम लोग वेट कर रहे तब से। और अभी देखते हैं कब तक वेट करना पड़ता है। अभी सामने हम लोग को मिल चुका है बढ़िया तरीके का जैम। अभी ये जैम तो हट ही नहीं रहा है, मतलब 10-15 मिनट से ज़्यादा हो चुका अभी जैम नहीं हट रहा है। और ये हॉर्न का आवाज़ से यार दिमाग विमाग पूरा एकदम ख़त्म हो जा रहा है। और गाड़ी के अंदर एसी नहीं है भैया, सब पंखे से हवा कर रहा है। फिलहाल भाई साहब अभी थोड़ा धूप का दर्शन हुआ है हम लोगों को, पीछे सूर्य देवता थोड़ा मुंह दिखाया है हम लोगों को अभी। एंड अभी देखते हैं कोहरा भी थोड़ा गायब हो चुका है। तो भाई साहब हम लोग को हाईवे का लेफ्ट साइड में अभी मिल चुका है एक ढाबा, एंड हम लोग को भूख भी यार बहुत लग चुका था इसीलिए विजय भैया ने बोला कि अभी हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट कर ले तो उसके बाद बाकी का राइड करेंगे। एंड हम लोग कंटिन्यूसली 2-2.5 घंटे से बाइक चला के इधर पे आए हैं, भूख भी बहुत लग चुका है। एंड अभी जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं क्या खाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ चुका है, जैसे कि देख पा रहे हो इधर पे रोटी है और तड़का है, और इधर पे चटनी दिया हुआ है, और इधर पे एक प्याज है। तो अभी फटाक से खा लेते हैं, उसके बाद फिर से राइड हम लोगों को कंटिन्यू करना है। तो खा के मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल भाई साहब हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है कम्प्लीट, एंड अभी फिर से हम लोग का राइड करेंगे कंटिन्यू। तो चलो बढ़ते हैं रास्ते पे। फाइनली भाई साहब हम लोग एंटर कर चुके हैं बांकुड़ा में, वो भी 5-6 मिनट हो चुका है। एंड अभी आगे जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को।
तो फिलहाल भाई साहब अभी हम लोग आके पहुंचे जयपुर फॉरेस्ट के एकदम गेट का सामने, एंड इधर पे हम लोग एक दो फोटो सेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर, मतलब जयपुर फॉरेस्ट का अंदर। और जैसे कि ये रहा जयपुर फॉरेस्ट का गेट, इधर से हम लोग जाएंगे एकदम सीधा सीधा, एक टूरिस्ट स्पॉट है। और इधर पे एक डैम भी हम लोग को देखने को मिला है, जो कि आप लोगों को सामने जाके दिखाते हैं। वर्षा के टाइम में यार इधर पे पूरा पानी भरा रहता है, मतलब एक आदमी डूब जाएगा इतना तक पानी रहता है, जैसे कि विजय भैया ने अभी बोला। एंड अभी शुभंकर भैया अभी एकदम रेडी वेडी होकर आ चुका है फोटो सेशन के लिए। अभी कितना फोटो खींचना है आपको? 10-12 फोटो इधर ही खींच लेगा आदमी। तो चलो अभी फोटो खींचते, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से फिर से अंदर ही आके। फिलहाल भाई साहब हम लोग आ चुके एकदम जंगल के अंदर, जैसे कि देख पा रहे हो, मतलब एकदम ऑफबीट साइड है, एकदम ऑफबीट साइड, जैसे कि बोले थे आप लोगों को हम लोग, मतलब वीडियो में जो दिखाएंगे वो कहीं पे दिखने वाला है नहीं आप लोगों को। देख के तो यार मुझे भी नहीं लगता कि कोई आता भी है यार इधर। क्या लगता है तुमको, आता है कोई इधर? नहीं, पूरा सुनसान इलाका, पूरा जगह है पूरा खाली, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। पहले हम लोगों को मतलब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा मिला था, अभी हम लोगों को चारों तरफ जंगल ही जंगल मिल रहा है हम लोगों को। भाई साहब अभी हम लोग जो जगह पे आके पहुंच चुके हैं, जैसे कि देख पा रहे हो एकदम कंक्रीट का रोड बना हुआ है एकदम चारों ओर, एकदम खाली खाली। तो ये है ब्रिटिश लोगों का जो था ना, वो लोगों का सीक्रेट रनवे था ये, और ये है बांकुड़ा में, एंड ये सब कंक्रीट का बना हुआ, जैसे कि बोले विजय भैया ने भी मेरे को बोला कि ऐसे ब्रिटिश एयर रनवे है ये। तो जगह यार मस्त है, और धूप भी बहुत लग रहा है हम लोगों को। तो भाई साहब अभी फिलहाल तुम्हारा भाई चलाएगा बाइक, एंड अभी शुभंकर भैया अभी बैठेगा मेरा पीछे, एंड अभी देखते हैं बाहर जाएंगे जंगल से, एंड बाहर निकल के रोड का साइड में जाके एक दो फोटो खींचेंगे, एंड उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे बोर्दी पहाड़। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाएंगे बोर्दी पहाड़ पे, हम लोग को पर्वत दिखने मिलेगा। तो फिलहाल के लिए तुम्हारा भाई गाइस आ चुका है एकदम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के साथ, एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं बोर्दी पहाड़ पे। तो चलो मोटो ब्लॉगिंग एंजॉय करो, जो भी बोलो भाई साहब, जो भी हो। रोड यार बढ़िया, रोड यार मस्त है, ऐसा रोड तो हम लोग को मिलेगा 50 किलोमीटर। तो तब तक के लिए आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। भाई साहब अभी इधर पे हम लोग कुछ फोटो सेशन करेंगे, रोड पूरा एम्प्टी है, जैसे कि देख पा रहे हो पिछला जहाँ पे हम लोग फोटो सेशन के लिए रुके थे उधर पे उतना भी अच्छा फोटो सेशन हम लोग का नहीं हो पाए, इसीलिए हम लोग कैमरा निकाले, इधर ही फोटो सेशन करेंगे, एक दो थंबनेल के लिए फ़ोटो निकालेंगे। तो चलो फोटो खींच के उसके बाद मिलते हैं फिर से मोटो ब्लॉगिंग में आप लोगों के साथ। हाईवे से अभी हम लोग राइट टर्न लेके अभी आ चुके हैं गली में, मतलब गांव का रोड पे, अभी इधर से हम लोग को पहाड़ तरफ जाना है। और इधर पे गाइस देख सकते हो बैलगाड़ी में शायद से कोई बैल मर चुका है, बैलगाड़ी का नहीं गाय का गाड़ी है। भाई साहब अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं अंदर का रोड पे, और मेरे को अभी भी पहाड़ नहीं दिख रहे कहीं पे भी। चलो आगे बढ़ते हैं और दिखते हैं पहाड़ दिखता या नहीं, दिख जाएगा तो आप लोगों को भी दिखा देंगे, और नहीं दिखेगा तो पूरी किस्मत समझ के वीडियो थोड़ा 10 सेकंड स्किप कर लेना। फिलहाल हम लोग का सामने अभी आ चुका है पहाड़, और इधर पे थोड़ा रास्ता ऊंचा हो चुका है, जैसे कि हम लोग को अभी दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब जैसे कि हम लोग के साथ हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके का एक फ्रॉड, और पहाड़ देख सकते हो, ये रहा सामने पहाड़। और अभी इधर से हम लोग जाएंगे शायद से मुकुट मणिपुर, एंड उधर से जाएंगे होटल। तो चलो बढ़ते आगे। हम लोग का सामने अभी आ चुका है बहुत सारा बकरिया, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, और भेड़ भी है अंदर। अरे अरे साइड दो थोड़ा, साइड दो थोड़ा, साइड दो। इसे हम लोग का सामने देखते तो मिट्टी का घर आ चुका है, कितना देखने में यार ये सब बढ़िया लगता है। और देख सकते हो भाई साहब सामने कितना क्यूट क्यूट सा बच्चा, सब कोई मैदान पे खेल रहा था। हेलो, और फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं इधर से ये वाला रोड से। बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग था, और तुम्हारा भाई ने एक बार में उठा दिया, देख सकते हो कितना ऊंचा है रोड। तो भाई साहब अभी फिर से हम लोग आ चुके हैं एक बढ़िया सा रोड पे, जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग सामने, मतलब क्या ही रोड है यार, पूरा चुम्बेश्वरी रोड है, पूरा चुम्बेश्वरी रोड है। और वो दूर हम लोग को दिख रहा है पहाड़, गोप्रो में शायद उतना भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग को दिख रहा है, आप लोग को सामने ले जाकर दिखाते। और भाई साहब अभी शायद आप लोग को दिख रहा है वो साइड में एक पहाड़ है, एंड ये राइट साइड में हम लोग का है
GoPro में अब तो विजिबल होना चाहिए यार, हम लोगों को तो बढ़िया तरीके से दिख रहा है अभी। पूरा जितना भी स्ट्रेस था सब कुछ खत्म हो गया ये रोड की वजह से और ये व्यू की वजह से। यार मस्त लग रहा है, सूर्य देवता अभी हम लोग का सर से नीचे उतर चुका है जैसे कि देख पा रहे हो। अभी शायद टाइम कितना हो रहा है मेरे को देखना पड़ेगा, फिर भी अभी 2-3 घंटे में शायद से अंधेरा हो जाएगा। उससे पहले हम लोग को होटल पहुंचना पड़ेगा गाइस, और हम लोग का दाएं तरफ और बाएं तरफ जितना भी सब कुछ है ये सब पिकनिक स्पॉट है। अभी सब गाड़ी वाड़ी आया है देख सकते हो, मतलब भर भर के टूरिस्ट आया है इधर। गाड़ी पार्क करके हम लोग का गैराज पे अभी हम लोग जाएंगे सीधा डैम का ऊपर, अंदर से आप लोगों को कुछ व्यू दिखाने का ट्राई करेंगे। तो चलो अभी जाते हैं डैम के ऊपर, उसके बाद मिलते हैं एक बढ़िया सा सिनेमैटिक के बाद। तो भाई साहब हम लोग का मुकुट मणिपुर डैम का घूमना इतना ही था, अभी देखते हैं दूसरा किसी जगह पे जाने का प्लान बनता है या नहीं। अभी हम लोग किधर जाने का प्लानिंग बन रहा है? अभी खाना खाने के लिए अभी फिलहाल तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद किधर जाने का प्लानिंग हो रहा है बोलो। उसके बाद लॉज में जाएंगे। उसके बाद लॉज में? नहीं नहीं बोलो बोलो यार, पूरा दिमाग पूरा खराब हो गया पूरा। बोलो बोलो। ऑटो में बोल रहा है 500 रुपये लगेगा। हाँ इधर गए 3 जन का ऑटो में बोल रहा है कि 500 रुपये लगेगा, 1 किलोमीटर घुमाएगा। भाई साहब अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए ये वाला होटल में जो कि है माँ हिंदू होटल, एंड अभी इधर पे जाते हैं देखते क्या क्या मिलता है, जो मिलेगा वही खा लेंगे। एटा GoPro वीडियो बनाई अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 5:27, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड हम लोग वो होटल से निकलने के बाद हम लोग का लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग 30-35 किलोमीटर गाड़ी चला लिए, अभी आके रुके एक बाज़ार का सामने। एंड इधर से भैया अभी होटल का लोकेशन अभी सर्च कर रहे हैं हम लोग का, एंड लोकेशन मिल जाएगा उसके बाद हम लोग चल जाएंगे होटल पे। तो चलो एक बार होटल में जाकर मिलते हैं, क्योंकि आज यार बहुत टायर्ड है तुम्हारा भाई, क्योंकि 350 किलोमीटर समझ रहे हो ना, मतलब 350 किलोमीटर का टूर था हम लोगों का आज का। तो अभी जाते होटल में जाकर आप लोगों से बात करते हैं बाद बाकी। भाई साहब अभी ब्रिज देख सकते हो भाई साहब कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया है लाइटिंग से, एंड मेरा राइट साइड में भी दिखाई दे रहा है, उस साइड में भी ब्रिज में सजाया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत देर बाद मतलब अंधेरे से आ रहे थे, बहुत देर बाद अच्छा व्यू मिला हम लोग को, एंड देख के अच्छा लग रहा है। अभी बात करने की हालत में तुम्हारा भाई तो है नहीं, अभी होटल में जाके फिर बात कर। सो फाइनली गाइस हम लोग आगे पहुंच चुके हम लोग का होटल रूम पे, और जैसे कि देख पा रहे हो चारों ओर हम लोग का सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और ये रहा विजय दा और ये रहा शोंकर दा। एंड अभी हम लोग खाना पीना लाने गए थे थोड़ा बाजार पे, एंड हम लोग लाए हैं रोटी खा के सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी सो जाएंगे क्योंकि आज हम लोग बहुत टायर्ड है, लगभग 350 किलोमीटर का हम लोग का ट्रिप था आज का। तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेल ना टेक केयर, सोशल मत रो, खाते रहो पीते रहो, एंड ढेर सारा मौज करते रहो, चलो बाय।